आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। मध्य प्रदेश के भोपाल से आज बड़ा ही दिल दहलाने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर भूपेंद्र विश्वकर्मा नाम के एक शख्स, जिन्होंने ऑनलाइन ठगी का वो शिकार हो गए, जिन्होंने एक ऐप से लोन लिया, वो लोन धीरे धीरे बढ़ता चला गया और फिर कंपनी की तरफ से धमकी दी जाने लगी, मानसिक परेशानी रहने लगी, आर्थिक तंगी तो पहले से थी ही थी। जानते हैं इस लाचार परिवार ने क्या किया। भूपेंद्र विश्वकर्मा पहले ये सोचने लगे कि लोन किसी तरह से उतर जाए, कर्जा उतरा नहीं। ऑनलाइन ठगी ऐसी होती है जिसमें इंसान बुरी तरह से ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। भूपेंद्र विश्वकर्मा के साथ भी ऐसा ही हुआ। हंसता खेलता ये परिवार था, भूपेंद्र विश्वकर्मा, उनकी पत्नी और दो प्यारे प्यारे बच्चे। लेकिन जब प्रताड़ना बहुत ज्यादा हो गई, जब धमकियां बहुत ज्यादा हो गई, तो भूपेंद्र विश्वकर्मा ने अपने परिवार के साथ सुसाइड का फैसला कर लिया। कुछ तस्वीरें हैं अब जो सामने आई हैं, और ये आखिरी तस्वीरें हैं इस परिवार की। आखिरी तस्वीर में आपको दो प्यारे छोटे मासूम बच्चे दिख रहे हैं, भूपेंद्र विश्वकर्मा भी दिख रहे हैं, जो झूठी हंसी अपने चेहरे पर लिए हैं। लेकिन दोनों ही तस्वीरों में माँ की तस्वीर आप ध्यान से देखिए, क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ की तस्वीर आप देखेंगे तो आंखें डबडबाई हुई हैं, आंखों में आंसू हैं और चेहरा एकदम उतरा हुआ है। एक में बहुत खुद को संभाले हुए हैं, रोके हुए हैं, एक में अपने प्यारे से फूल से बच्चे का चेहरा हाथ में लिए हुए हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगले कुछ पल बाद उनके बच्चे इस दुनिया में नहीं रहेंगे और ना ही वो दोनों पति पत्नी रहने वाले हैं। बड़ा मुश्किल होता है ये फैसला, बड़ी मजबूरी होती है, बड़ी लाचारी होती है जब पूरा परिवार एक साथ सुसाइड कर ले। भोपाल के इस मामले ने दिल दहला दिया है, बहुत ज्यादा रूह कपा देने वाला ये मामला है। और जब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, पहले चूंकि एक खबर सामने आई कि एक परिवार है जिसने सुसाइड कर लिया है आर्थिक तंगी के चलते, लेकिन जब आप आंखों से देखते हैं तो आपका सीना एकदम फट जाता है, कलेजा एकदम चिर जाता है। वही ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, अलग अलग ये तस्वीरें हैं। और भूपेंद्र विश्वकर्मा जो कि इस घर के मुखिया थे, बहुत ज़्यादा हिम्मत उन्होंने जुटाई होगी, अपने बच्चों को पहले सल्फाज दिया और फिर दोनों पति पत्नी खुद फांसी के फंदे से झूल गए, लटक गए और जिंदगी खत्म हो गई। यानी कि कुछ ही मिनटों के अंदर एक परिवार के चार लोग और चारों कुछ ही पलों बाद शव बन चुके थे, यानी कि उनकी जान जा चुकी थी। एक छोटी सी गलती, ऑनलाइन ठगी का शिकार होना, एक छोटी सी गलती, किसी ऐप से यूं लोन ले लेना, फिर लोन बढ़ता चला जाना और ये प्रेशर इतना ज़्यादा होना कि झेल ना पाना। ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन ऐप है जिसमें ऑनलाइन ठगी होती है, ऐसी किसी भी चीज़ में आप ट्रैप होने से पहले 100 बार सोचिए। ऑनलाइन जितने फायदे होते हैं, जितनी सुविधा लोगों को होती है, उससे ज़्यादा आपके लिए ऐसे ट्रैप रहते हैं जिसमें आप बुरी तरह से फंस जाते हैं। और फंसने का नतीजा फिर ये है कि पूरा परिवार कुछ ही मिनटों के अंदर खत्म हो गया। भोपाल का ये मामला हैरान भी करने वाला है, परेशान भी करने वाला है। अब चूंकि पूरा परिवार खत्म हो गया है, बस तस्वीरें बाकी हैं, पुलिस जांच कर रही है और ये पता लगा रही है ये कौन सी ऐप के जरिए लोन लिया गया था, ये कौन सी कंपनियां थी जो लगातार धमकी इस परिवार को, भूपेंद्र विश्वकर्मा को दे रही थी। ये खबर देखने और सुनने के बाद क्या आपका भी कलेजा मुंह को आ गया, बताइएगा।